I am excited at the same time. I'm very nervous because technically this is going to be my debut. Although I have shot a couple of them before, but those are actually taking festival rounds. So yeah, I mean, Hacked would be my debut film.
So the date is out, as you know, it's gonna release on 31st January. Very excited, very nervous, and waiting that how well it'll be received by the audience. How glad you feel that your debut has been happening with the Vikram Vats movie. Of course, you feel good. I mean, he's such an experienced director, producer. Since so many decades he's there in the industry, he has a lot of experience and he's taught me so many things. I've taken a lot back home from him, which I will carry throughout my career. So yes, it was a learning experience for me, which I'm definitely going to take forward and use it in my other projects. कि आज पोस्टर शूट हो रहा था लाइक कितना एंजॉयबल था कितना Very मजा nice. My पोस्टर शूट्स आर ऑलवेज फनी. आई अभी लास्ट वीक आई शॉट फॉर डैमेज आया टू के पोस्टर के लिए आई शॉट. सो दैट विल ऑल्सो बी आउट इन जनवरी. एंड टुडे आई एम शूटिंग फॉर हैग्ड पोस्टर शूट. सो लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इन पाइपलाइन. मेरी अभी भी बातें चल रही है नए प्रोजेक्ट्स के लिए. सो गुड. आई एम होपिंग, यू नो, अ वेरी पॉजिटिव एंड सुपर्ब 2020 विद अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. Okay, like to know about more about हार्ट. So, कैसी मूवी होने वाली है? आपका क्या किरदार होने वाला है? हैग्ड देखिए, इट्स अबाउट दिस गर्ल सैम एंड वट एवर हैपन्स अराउंड हर. आजकल हम सोशल मीडिया को लेके इतने सीरियस हो गए हैं कि सोशल मीडिया के अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी पूरी जिंदगी, हमारी पूरी लाइफ हिस्ट्री सोशल मीडिया पे है. उसके अलावा हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है और हम कोई आइडेंटिटी बनाना ही नहीं चाहते हैं. उसके अलावा हम उसी फेक वर्ल्ड में ही जीना चाहते हैं. इवन इफ यू आर सैड, यू वॉन्ट टू क्लिक अ हैप्पी पिक्चर एंड पोस्ट. सो वी आर जस्ट लिविंग इन अ फेक वर्ल्ड एंड कहीं ना कहीं डीप डाउन इट इज़ हार्मिंग अस, हर्टिंग अस इन मैनी वेज. सो वी हैव जस्ट इन मैनी अदर वेज वी हैव ट्राइड टू पोर्ट्रे इट एंड वी हैव ट्राइड टू प्रेजेंट इट टू द वर्ल्ड कि कैसे हमारी सोशल मीडिया और इस डिजिटल वर्ल्ड के अलावा कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई 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 पर्सनल लाइफ भी नहीं है. तो समटाइम्स इट्स टू डेंजरस जब आपका सब कुछ आप सोशल मीडिया पे ही डाल देते हैं और उसके अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं है, कुछ कुछ बचा ही नहीं आपकी लाइफ में. सो आई वॉन्ट टेल यू ऑल, देर आर मेनी लेयर्स, अ लॉट हैपन्स इन दिस फिल्म. सो या आई वुड से दैट प्लीज़ वॉच इट. विक्रम सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे लाइक थ्रू आउट शूट ओ प्रोसेस ही इज अ क्या? स्वीट हार्ट. ही इज अ स्वीट हार्ट, सच अ चिल्ड आउट पर्सन. ही इज सो स्वीट. बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं. आपको बताएंगे ही ना शॉट में ये है, ये मत करो, ये करो, ये अच्छा है, ये खराब है, और आपको समझाते रहेंगे. और ट्रस्ट मी, हर एक्टर को ऐसा होता है कि पैकअप कब होगा, पैकअप कब होगा. मैं आपको उनकी एक चीज़ बताऊँ तो हमसे ज़्यादा जल्दी उनको होती है कि यू नो आई हैव टू फिनिश माई वर्क. और ऐसा भी नहीं है कि उनका फिनिश हिज वर्क इज़ लाइक कि अच्छा चलो कर दो. ही मेक श्योर दैट ही डज इट वर्क, डज हिज वर्क प्रॉपरली, और उनका एक भी सीन क्या एक शॉट कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. और उसके बाद भी उनको आराम से टाइम से पहले घर जाना है. तो हमने तो मतलब बहुत मज़ा किया है. अगर विक्रम सर के साथ एक मेमोरी शेयर करनी होगी आपको हमारे साथ ड्यूरिंग द शूटिंग. आई थिंक वन मोमेंट वॉज वेरी स्पेशल टू, या इट इट विल ऑलवेज बी वेरी स्पेशल टू मी. आई इनफैक्ट आई टोल्ड हिम दिस, वेन वन ऑफ माई शॉर्ट्स ही रियली लाइक्ड, एंड आफ्टर कट ही हेल्ड माई हैंड एंड ही किस्ड इट, एंड दैट वॉज सच अ नाइस जेस्चर, यू नो दैट. आई लव द शॉट एज अ डायरेक्टर. ही सेड दैट आई रियली रियली लव द आई लव्ड योर शॉट एंड ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी. सो या आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट मोमेंट. दैट्स अमेजिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस हिना, कल आप और प्रियांक गए थे बिग बॉस में वीकेंड के बाहर के लिए. हाउ वाज ऑल लाइक? वेरी गुड. इट्स ऑलवेज गुड टू मीट सलमान. इनफैक्ट वी वर टॉकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मी एंड सलमान एंड ऑल द पीपल अराउंड देयर. ही इज़ अ स्वीट हार्ट. बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, एंड अदर देन दैट फिर हम स्टेज पर मिले और फिर घर के अंदर भी गए. अच्छा था, मज़ा आया सारे कंटेस्टेंट से दोबारा मिल के. एंड एज आई से दैट ऑल ऑफ देम आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. ओके, रश्मि को भी आपने एक सलाह दी है उनके पर्सनल लाइफ में लाइक नहीं एपिसोड में देखा था? नहीं मैंने कोई सलाह नहीं दिया उनको. आई जस्ट टोल्ड हर टू बी स्ट्रांग, एंड वेन इन लाइफ यू रिपीट अ मिस यू डू अ मिस्टेक, यू शुड नेवर रिपीट इट. दैट्स द ओनली एडवाइस आई गेव हर, नथिंग एल्स. ओके, लाइक अभी मूवी आपकी आ रही है, फिर अभी रांझना सुपर डुपर हिट जा रहा है, व्हाट डू यू वांट टू से टच वर्ड. टू योर फैंस?
आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. बहुत सारी चीज़ें आनी हैं, सो प्लीज़ प्लीज़ कीप ऑन शावरिंग दिस लव. एंड या आई मीन देर आर देर इज अ लॉट टू कम. थैंक यू सो मच. थैंक यू.